वेलकम बैक टू श्रुतिस किचन। आज मैं बनाऊंगी सांबर मिक्स वाली दाल से, जिसमें करीब चार पांच तरह की दालों को मैंने मिक्स्ड किया है। मूंग दाल, तुअर दाल, मसूर दाल, चना दाल, ऐसे करके आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में दालों को मिक्स कर सकते हैं और उससे मैं बनाने जा रही हूँ सांबर। तो आइए देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या इंग्रीडियंट्स की आवश्यकता है। यहाँ पे मैंने एक कटोरी मिक्स्ड दाल ले लिए है, जिसको मैंने अच्छे से धो के रख लिया है। 2 टेबलस्पून सांबर मसाला पाउडर ले लिया है, नमक, गाजर, टमाटर, मूली, 8-10 करी पत्ता, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून राई, 1 टीस्पून जीरा, 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 नींबू का रस, हींग, तेल। सबसे पहले हम कुकर में दाल को डाल देंगे। जिस कटोरी से हमने दाल ली है उसका 3 गुना पानी डाल देंगे। थोड़ा सा नमक डाल देंगे, हल्दी चुटकी भर, और अब इसको अच्छे से पका लेंगे 4-5 सीटी आने तक इसको पकाएंगे। जब तक हमारी दाल पक रही है हम दूसरी साइड अपनी सब्जियों को पका लेंगे। तो अब मैं कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच तेल डाल दूंगी। तेल अच्छा गरम होने पे मैं इसमें राई डाल दूंगी। इसके बाद जीरा डाल दूंगी, करी पत्ता, गाजर, कुकर में 6-7 सीटी आ चुकी है तो अब मैं गैस के फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। गाजर के बाद मैं इसमें मूली डाल दूंगी, टमाटर हमें सबसे लास्ट में डालना है। सब्जियों को ढक दूंगी, ढकने से ये जल्दी पकेंगी। बीच बीच में मैं सब्जियों को चला लूंगी और फिर से इन्हें ढक दूंगी। ये देखिए हमारी सब्जियां अच्छे से पक गई हैं। अब इसमें मैं टमाटर डाल दूंगी। और नमक डाल दूंगी। अब मैं इसमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, पिसा धनिया पाउडर, चुटकी भर हींग, अच्छे से मिक्स कर दूंगी और एंड में सांबर मसाला पाउडर डाल दूंगी। ये हमारी दाल भी पक के तैयार हो गई है। ये जो कुकर है इसका प्रेशर पूरा निकल गया है। अब मैं इसको खोल दूंगी। ये देखिए, और अब मैं इस दाल को सांबर में डाल दूंगी, सब्जियां जो है उसमें डाल दूंगी।
अब मैं इसमें 2 ग्लास पानी डाल दूंगी। आपको सांबर की कैसी कंसिस्टेंसी चाहिए आप उस हिसाब से पानी डालिए। मुझे थोड़ा पतला पसंद है इसलिए मैं 2 ग्लास डाल रही हूं। और अब सबसे आखिरी में ये जो एक नींबू का रस था ये डाल दूंगी मैं सांबर में, और इसमें उबाल आने तक मैं इसको हाई फ्लेम पे पकाऊंगी। ये देखिए सांबर में उबाल आने लगा है, और अब मैं इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दूंगी, और गर्मा गर्म सांबर तैयार है खाने के लिए। ये हमारा सांबर रेडी है, गर्मा गर्म सांबर तैयार है। मैं तो इसे इडली के साथ खाने जा रही हूँ। आप भी इस रेसिपी को घर पे जरूर ट्राई करें और अपने एक्सपीरियंस कमेंट्स में लिखें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।